नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और बैंक पेंशनर और फैमिली पेंशनर का जो डीए है वो 6 माह के बाद डायरी चेंज होता है और अगस्त 24 से ये रिवाइज होना है। लेकिन इसके लिए हमें 6 माह का सीपीआई इंडेक्स होना चाहिए। जनवरी फरवरी से मार्च अप्रैल मई जून हमारे पास 5 महीने का सीपीआई इंडेक्स जो ऑलरेडी लेबर ब्यूरो ने रिलीज किया है। हालांकि मार्च का और अप्रैल का भी डिले हुआ था, लेकिन जून का जो सीपीआई इंडेक्स है इंडस्ट्रियल वर्कर्स का वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन हमारे बहुत साथी इस बारे में जानना चाहते हैं कि हमारा डीए रेट क्या होगा। तो एक्चुअल डीए रेट का कैलकुलेशन जून माह के सीपीआई इंडेक्स ना होने से नहीं पॉसिबल नहीं है। सो एक एक्सपेक्टेड अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगला डीए रेट हमारे जो विभिन्न कैटेगरीज के रिटायरीज हैं उनका क्या हो सकता है। हम ये मान के चलें कि जून में 0.40% का इंक्रीज होता है तो जून माह का भी जो फिगर होगा वह 140.30 होगा। और हमारे पास जनवरी से लेकर मई तक ऑलरेडी प्रेजेंट है कि क्या फिगर होगा। अगर उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो डीए रिटायर्ड आफ्टर 1 जुलाई 1993 टू अप टू 1 अप्रैल 1998 एक्सपेक्टेड रेट होगा 704.20। ऑलरेडी जो चल रहा है 697.90 एंड द डिफरेंस अमाउंट विल बी 6.3%। नेक्स्ट कैटेगरी द रिटायरीज फ्रॉम 1 अप्रैल 1998 टू 31 अक्टूबर 2002 जिनका एक्सपेक्टेड डीए रेट 450.72 एंड प्रेजेंट रेट इज 446.40। सो डिफरेंस अमाउंट विल बी 4.32%। अब हम बात करते हैं कि रिटायरीज 1 नवंबर 2002 से 31 अक्टूबर 2007 इनका जो एक्सपेक्टेड रेट होगा 310.86 एंड द प्रिवेलिंग रेट इज 307.62। द डिफरेंस अमाउंट विल बी 3.24%। रिटायरीज फ्रॉम 1 नवंबर 2007 टू 31 अक्टूबर 2012 द प्रेजेंट रेट इज 235.80 एक्सपेक्टेड डीए 238.50 द डिफरेंस अमाउंट विल बी द 2.7%। नेक्स्ट कैटेगरीज फ्रॉम 1 नवंबर 2012 टू 31 अक्टूबर 2017 इसमें जो प्रिवेलिंग रेट है वो 117.10 एंड द एक्सपेक्टेड डीए विल बी 118.90। सो डिफरेंस अमाउंट विल बी 1.8%। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि फ्रॉम 1 नवंबर 2017 टू 31 अक्टूबर 2022 और इसमें जो प्रिवेलिंग रेट है वो 48.51% है और एक्सपेक्टेड अमाउंट विल बी 49.77% एंड डिफरेंस अमाउंट इज 1.26%। एंड द लास्ट कैटेगरी द रिटायरीज आफ्टर 1 नवंबर 2022 उनका अगर हम देखें तो प्रेजेंट डीए रेट इज 15.73% एंड एक्सपेक्टेड विल बी 16.84% एंड डिफरेंस अमाउंट इज द 1.11%। सेम रेट लागू होगा फैमिली पेंशनर्स पे भी। और इसमें मैंने जून का जो फिगर है वो केवल 0.40% का इंक्रीज लिया है जो 140.30 होगा। दीज फिगर्स आर द एक्सपेक्टेड फिगर एंड द एक्चुअल फिगर ओनली मे कैन बी कैलकुलेटेड आफ्टर द रिलीज ऑफ द सीपीआई इंडेक्स ऑफ द जून 24। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।